दोस्तों बेपनाह सीजन 2 के सेट से बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि जेनिफर विंगेट का अपकमिंग प्रोजेक्ट बेपनाह सीजन 2 लोगों के बीच में फिर से अगेन कमबैक करने जा रहा है। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही है कि जेनिफर विंगेट अपने हर एक सीरियल को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहती हैं, लेकिन आखिर रिलीज डेट और शूटिंग के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बेपनाह सीजन 1 आपने हर्षित चोपड़ा और जेनिफर विंगेट दोनों को ही देखा होगा और दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी सॉलिड थी और वाकई में लोगों ने भी उनको काफ़ी पसंद भी किया था, जितना हो सकता है इतना प्यार भी दिया है। लेकिन एक बार फिर से जेनिफर विंगेट अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट बेपनाह 2.0 में कदम रखने जा रही हैं, जिसकी सुर्खियां काफ़ी समय से ऑडियंस ने हर तरीका से सबमिट की हैं। जेनिफर विंगेट का एक जोया वाला किरदार था बेपनाह सीजन 1 में, उसी जोया वाले किरदार को बेपनाह सीजन 2 में फिर से रिपीट करती नजर आने वाली हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जेनिफर विंगेट टेलीविज़न के साथ साथ में उन्होंने वेब सीरीज़ में भी कदम रखा था और वेब सीरीज़ में भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई हैं। हाल ही में ही जेनिफर विंगेट ने कोड एम सीजन 2 की शूटिंग कंप्लीट कर अपने बेपनाह सीजन 2 का आगाज़ किया है। बेपनाह में आदित्य चोपड़ा का किरदार निभाने वाले हर्षित चोपड़ा भी नज़र आने वाले हैं। ये बात तो आपको पता ही चल गया होगा कि आदित्य का किरदार और जोया का किरदार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा है, और रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो जेनिफर का ये सीज़न आप लोगों के बीच में यानी बेपनाह सीजन 2 कम जो करेगा वो कम बैक करेगा फरवरी के महीने में, क्योंकि फरवरी के महीने तक ही इस सीरियल का पूरी तरीक़ा से शुरुआत हो सकती है। पर विंगेट के पास में इस समय प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है और उनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी हैं। हाल ही में ही जेनिफर विंगेट और हर्षित चोपड़ा एक जगह स्पॉट किए गए थे। सभी ऑडियंस को ये तो पता ही चल चुका है कि जेनिफर के साथ में हर्षित चोपड़ा फरवरी के महीने में नज़र आने वाले हैं। कुछ दोस्तों का मानना यह है कि हर्षित चोपड़ा और जेनिफर की जो बॉन्डिंग है वो इतनी सॉलिड किसी की भी नहीं है जितनी इन दोनों की है, क्योंकि टेलीविज़न के एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर एक से बढ़कर एक हिट सीरियल, एक से बढ़कर एक हिट किरदार दिए हैं, और वाकई में सभी ने इनके हर एक किरदार को, हर एक सीरियल को बहुत ही ऊंचाई तक काफ़ी प्यार भी दिया है, जिसके कारण आज के समय में ये दोनों इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि लोग इनको बहुत अधिक पसंद भी करने लगे हैं। साथ ही दोस्तों मैं चाहता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।